अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम जमान पार्क पहुंचे। यहाँ की सूरत हाल देखते हैं। इमरान खान से मोहब्बत करने वाले सब यहाँ पे मौजूद हैं। असद उमर साहब भी ये गाड़ी में बैठे हुए हैं। लीड मिले कहीं से तो फोन तो लगता है, उन्होंने करना चाहिए मुझे करना। वो ये खबर चला रहे हैं कि बाय इलेक्शन में ना हिस्सा लेने का फैसला किया है, वैसा खान साहब के बजाय कैंडिडेट करें। मैंने खुद ये तो सुबह से चल रही है, कह रहे हैं यार अभी मुझे कॉल आई है ना। अच्छा सर, ये एपीसी का बताए अगर साहब एपीसी का बता देंगे। देखें यहाँ पे ऐसा लगता जैसे मेरा लगा हुआ है। हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, लोग यहाँ पे जो दर्ज होगा आ रहे हैं, जो दर्ज रोकोगे किस किस को रोकोगे? अमेरिका की अमा पर आज तुमने हमारे मुल्क को भेज दिया हुआ है। एक शख्स इमरान खान जिसने आज हमें आजादी का नारा बताया और समझाया है, ये चीजें ना तो कोई हमें मौलवी समझा सका है, ना कोई आलम, ना ही कुछ स्कॉलर। आजादी क्या होती है आज इमरान खान ने हमें बताया है। और मेरी गुजारिश है इंटरनेशनल ओवरसीज पाकिस्तानियों से अपने अपने हिस्से का काम करें। आज देखें ये कोई जुलूस है, आपको मेला नहीं है। आज लोग अपनी जानों पे खेल के किसी के पेड़ रोल पर नहीं आए हुए। और एस्टेब्लिशमेंट क्या कर लेगी? अगर कीमत लगी तो काजी और मुख्तार बिक गया, एक ही खबर से निशान सरे बाजार बिक गया। एक सुबह शर्मोसाज गुवाही रहे मेरी, मैं लड़ रहा था और मेरा सलार बिक गया। आज हमारे मुहाफिज भी किया, इमरान खान ने क्या गलत किया था? मेरी गुजारिश है तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी से और इंटरनेशनल मीडिया से आज आके देखें कि ये पाकिस्तानी कौम जाग चुकी है। कितना रोकोगे? क्या वजह क्या थी इमरान खान को उतारने की? कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, पेट्रोल 150 रुपए का लीटर कर दिया हुआ है, आटा जी उसने 35 रुपए का किलो कर दिया हुआ है, आज पेट्रोल 250 का है। कहाँ गए हमारे वो पेरोल वाले साहबी? कहाँ गए वो आज हमारी मौजूद अदलिया? कहाँ गए वो चीफ जस्टिस साहब? कहाँ गए वो जनरल? कहाँ गए वो एस्टेब्लिशमेंट जो पाकिस्तान की फलाह के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए ये गरीब अवाम का सौदा कर रहे हैं? खुदा के लिए होश के नाखुन लो, सियासत बुढ़े मकारा दे हाथ विच, मकतब दारे गुवारा दे हाथ विच, खुदा सलामत रखे पाकिस्तान नू, शीशे का घर है लोहारा दे हाथ विच। खुदा के लिए अगर अवाम ने हमारे क्रप फौजी और असी कदादत का एहतसाब शुरू किया, जजों का एहतसाब शुरू किया, सहाफियों का एहतसाब शुरू किया, तो फिर कोई नहीं बचेगा, ब्यूरोक्रेट्स नहीं बचेगा, अदलिया नहीं बचेगी। खुदा के लिए होश के नाखुन लोग, कौन लोग हैं साहिब इख्तियार जो इस मुल्क को दलदल की तरफ दिखे रहे हैं? इमरान खान खाली पाकिस्तान का नहीं है, उम्मत मुस्लिम का अजीम लीडर है। अल्लाह ने सर झुका के जिए, ना मुंह छुपा के जिए, सितमगर की नजरों से नजरें मिला के जिए। हम अगर दो दिन कम जिए तो इसमें हैरत क्या? हम उनके साथ है तो शमा जला के जिए, क्या होगा? कितनी जिंदगी है। लेकिन आज हमें ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब गुलामी से आजादी इमरान खान ने समझाया है। और मेरी गुजारिश है तमाम पाकिस्तानियों से अपने अपने घरों से बाहर निकले, एहतजाज करें। जितनी खुदा ने आपको हिम्मत और ताकत दी है उस ताकत के हिसाब से इमरान खान का साथ नहीं देना, आपने अपने बच्चों को गुलामी से आजादी का साथ देना है। इमरान खान को अल्लाह ने तो 18 साल की उम्र से वो तो हीरो रहा है,
वो तो इज्जत में इंतशा, वो तो जिल्लत में इंतशा। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। पाकिस्तानियों अपने हक के लिए निकलो, अपने हक के लिए निकलो, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए निकलो, नहीं तो तुम्हें ये बेच देंगे। और बेच दिया है तो खुदा के लिए पाकिस्तानियों से गुजारिश है, अपने घर से निकले, जहाँ जहाँ जितनी अल्लाह ने जिसको ताकत दी है, अगर आज आप ना उठेंगे आप तो मर जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता ये लोग तुम्हारे गिरोबानों तक, सबसे पहले इन्होंने तुम्हारे से तमीम दूर की, 35-40 साल से इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए जो काम कर रही है, सबसे पहले आपको जहालत में धकेला गया, उसके बाद आपको गुर्बत में धकेला गया, फिर आपको एक मिलावट ज्यादा मुआशरे में धकेल कर आपको बीमार कर दिया गया। फिर इमरान खान ने GDP 6% पे जा रही थी आज से एक साल पहले, फिर इन्होंने फैक्ट्री बंद करके तुम्हें बेरोजगार कर दिया और महंगाई कर दी। महंगाई का बिल आप पर ऐसे गिर रहा है जैसे बम गिर रहा है, रफ्ता रफ्ता ये तुम लोगों के गिरबानों तक, जो लोग घरों में बैठे हुए ना, कम एसी में बैठे हुए हैं, हम गाड़ियां चला रहे हैं, ये लोग, ये अवाम गुर्बत कदर जो है ना, ये अवाम तुम्हारे तुम्हारे गले तक आ जाएगी। अपने घरों से बाहर निकले, हक और सच का साथ दें। अगर आज आपने हक पर साथ का साथ ना दिया तो खुदा की कसम ये गुलामी तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी और तुम शर्मिंदा हो गए। आज अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वादा फरमाया, हक सच का साथ देने वालों का साथ दो, हक सच की बात करने वालों का साथ दो। इमरान खान साहब, आप तक हमारी आवाज पहुंचती है या नहीं पहुंचती? आज हम आपके घर के बाहर करें और पाकिस्तान का साथ दें, इमरान खान का साथ दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद।